तो गाइस जो जो बिजली का बिल भरना चाहते हैं और उनको अब पता नहीं लग रहा है कि कैसे मेरा बिजली का बिल पिन भरना है, नंबर तो उसके गायब लिए ये है। जाएगा सबसे पहले क्या करना है कि प्ले स्टोर से HPSEBL ऐप डाउनलोड कर लो। उसके बाद ऐसे खुलेगी ऐप, मांगेगा फ़ोन नंबर और पासवर्ड। तो आपने अभी कुछ नहीं डालना है, आपने अभी पासवर्ड सेट भी नहीं किया है। आपने करना है न्यू यूज़र, न्यू यूज़र भी क्लिक करना है आपने। हमने न्यू यूज़र में क्लिक कर दिया। इसके बाद क्या करना है, हमने नाम डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाम डाल रहे हैं अभी हम, ये इनका भाई का नाम है सुरेश ठाकुर। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर डालना है, भाई जी नंबर बोलना, 8580786 नंबर अभी आपको दिखाएंगे। तो गाइज अब नंबर हम शो नहीं कर सकते आपको। फिर आपने क्या करना है, एक पासवर्ड सेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना जो ATM का पिन वो डाल दो, तो भाई अब ATM का पिन डाल लेंगे दोनों में, वो हम दिखा नहीं सकते आपको। उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। सो गाइज आपकी अपनी मर्जी ATM पिन डालना या कुछ और डालना। तो जब ये MPIN डाल दोगे उसके बाद आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। ये जो रजिस्टर लिखा है कर दिया। इसके बाद बोल रहा है अलो HPSL टू मेक मैनेज फोन कॉल्स अलो, ठीक है। इसके बाद प्रोसेसिंग चलेगी, प्रोसेसिंग के बाद दिखाता हूँ आपको क्या फंड है। तो गाइज अब एक OTP आएगा नंबर पे, OTP इसमें डालना है हमने, ठीक है। 9910 क्या था, 70 वेरीफाई कर देना कि ये हमारा ही मोबाइल नंबर है, ठीक है। इसके बाद ये आप बोल रहा है कि लॉगिन करो पासवर्ड डाल के। अब भाई ये लॉगिन करेंगे पासवर्ड डाल के, ज़रूरी नहीं है ATM का पिन ही डालना है, कुछ और भी डाल सकते हो आप। सो गाइज इन्होंने पासवर्ड डाल दिया, अब लॉगिन करेंगे हम। नो लिंक कंज्यूमर आईडी, कोई लिंक नहीं, मतलब कोई अभी कंज्यूमर आईडी डाली नहीं है कि जो बिल आता है वो बिजली का बिल, अब आपने वो जोड़ना है इसमें, ठीक है गाइस। तो आपने क्या करना है, यहाँ से प्लस करना है, तो आपका जो बिल होगा उसकी कंज्यूमर आईडी यहाँ डालनी है, ठीक है। उसके बाद एक आईडी जुड़ जाएगी आपके साथ। फिर क्या होगा, आपने ATM कार्ड निकालना है, ATM कार्ड डाल के वो सारा फिर पेमेंट होगी आपकी। तो ये था आज का आपका HPSEBL, आप कैसे बिजली का बिल भरोगे। तो जिसको भी कोई भी दिक्कत आ रही है इसमें, तो जाकर अब इसके बाद मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगा आगे की बात कैसे होगा।